Students of class 6. Today I am going to explain remaining part of chapter 7. The Upanishads. Around 600 BC, the period witnessed urbanization gaining momentum and rulers consolidating their kingdom, which often resulted in wars between neighboring states. 600 बीसी के इर्द गिर्द यह अवधि जो है शहरीकरण की वृद्धि का जो चरण शुरू हुआ उसके तरफ ये इसका ये प्रमाण है. एंड रूलर्स कंसोलिडेटेड देयर किंगडम और शासकों के द्वारा राज्यों को एक में जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई which often resulted in wars between neighboring states, जिसका परिणाम हुआ कि आसपास के राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई. Urbanization also meant brisk trade and commerce, और शहरीकरण के कारण व्यापार में भी तेजी आई और इसके साथ वाणिज्य में भी इसका विकास शुरू हुआ. दिस डिड नॉट लीव द पीपल विथ मच टाइम टू बी स्पेंट इन रिचुअल एंड सेक्रीफाइसे, और इसने लोगों के लिए इतना समय नहीं छोड़ पाया या इतना समय नहीं मिल पाता था जिससे कि वे धार्मिक संस्कारों और उत्सर्ग संबंधी कार्यों में अपना समय दे पाएँ. Sensing the need of people, लोगों को अब समझने के लिए जरूरत पड़ने लगी. Some scholars compiled Upanishads, कुछ विद्वानों ने उपनिषदों का निर्माण शुरू किया. These texts criticized all rituals and laid stress on right belief, और इस मूल सूत्रों ने धार्मिक संस्कारों और सही विश्वासों पर विशेष बल देने का कार्य किया. इनफैक्ट वास्तव में दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द कंपिलेशन ऑफ द उपनिषद, और यह पुस्तकों से किया जाने वाला संग्रह एक महान कारण बना. उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर द टीचर, उपनिषद का मतलब होता है कि शिक्षक के संपर्क में बैठना. दिस इम्प्लाई द स्टूडेंट सिटिंग डाउन नियर द गुरु टू लर्न द वीक सीक्रेट, और यह इस चीज का भी संकेत देता है कि विद्यार्थी अपने गुरु के संपर्क में बैठ कर के एक गोपनीय रहस्य को सीखने की प्रक्रिया शुरू करते. उपनिषद्स वेयर कंपोज्ड बाय द फिलोसफर्स ड्यूरिंग देयर मेडिटेशन, और इन उपनिषदों का लिखने की प्रक्रिया चिंतन के समय दार्शनिक लोगों के द्वारा निर्माण कार्य होता था. लिखने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता था. This contains the main idea that constitute the intellectual aspect of the Hindu philosophy. और यह मुख्य विचारों और उसमें बौद्धिक पहलुओं पर हिंदुओं की जो दर्शन शास्त्र हैं उसके तरफ उजागर करता है. The Upanishads are actually parts of the Vedas. उपनिषद वस्तुतः वेद के ही अंग हैं. Through episodes, एपिसोडों के माध्यम से, प्रकरणों के माध्यम से, commentaries, टीका भाष्य, stories, traditions, परंपराओं and dialogues, बातचीत, the Upanishads unfold the fascinating tale of creation of life. जीवन
की रचना में एक ऐसी कहानी जो कि मन को मोहित कर लेती है, वैसी चीज को ये उजागर करता है। द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार, एंड दैट ऑफ बियॉन्ड द सीकर्स ऑफ ट्रूथ, और उस सच्चाई को खोजने वाले के पहुंच से बाहर की चीज होती है। दे कंटिन्यू टू बी कंपोज्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, और वे एक लंबे समय तक ये लिखने की शैली को वे लोग निरंतर बनाए रखते हैं। द उपनिषद्स आर डेटेड बैक बिटवीन 800 BC एंड 500 BC। ये उपनिषदों की जो लिखने की प्रक्रिया थी वो 800 BC से 500 BC के अंतराल में थे। देयर आर 108 उपनिषद्स, उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। एंड द एसेंस ऑफ ऑल देम इज बिलीफ इन अल्टीमेट, और इसका टोटल भाग, इसका कुल सार जो है वो परम सत्य को सात्विकता की तरफ ये संकेत देता है। द उपनिषद्स रिफ्लेक्ट द रिचनेस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ द इंडियन कल्चरल, उपनिषद जो है संपन्नता और भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है। दे आर सेड टू बी द थिंकिंग पावर ऑफ द ब्राह्मणाज एंड द क्षत्रियाज, और वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के सोचावट को भी ये एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात हम लोग मेन उपनिषदों के बारे में अगले चरण में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।